बड़ी नाजुक और नासमझ है यह दुनिया, कब आप शिखर पर बिठा दिए जाओगे और कब पटक दिए जाओगे पता भी नहीं चलेगा। कब किसकी नज़र में खास बन जाओगे और कब किसके लिए बकवास हो जाओगे यह सोच पाना भी मुश्किल है। कब उनकी आंखों के सितारे बन जाओगे और कब उनके दिल से गवारे हो जाओगे यह कह पाना मुश्किल है। ये कह पाना मुश्किल है कि लोगों की सोच और समझ कब आपके लिए बदल जाए और कब वह आपको अपने दिल की गाड़ी से धक्का देकर बाहर निकाल दे और आप सिर्फ पछताते रह जाओ। जिस तरह एक जीभ 32 दांतों के बीच रहती है और चालाकी से खुद को बचा कर रखती है, उसी तरह आपको भी रहना इसी मतलबी दुनिया में है, लेकिन इस मतलबी दुनिया के लोगों से खुद को बचा कर रखना है। बड़े चालाक और शातिर है यहाँ के लोग। पैसों की लालच, आगे बढ़ने की ज़रूरत, पीछे करने की नीयत कभी कभी हमारी किस्मत को भी धोखा दे जाती है। हम सोच नहीं पाते इस कदर लोग हमसे अचानक जुड़ते हैं, और जब हम सोचने लगते हैं तब तक वो हमसे बहुत दूर निकल गए होते हैं। याद रखो, इस दुनिया में जब तक काम आओगे तब तक याद किए जाओगे। जिस दिन काम खत्म उस दिन रिश्ता खत्म। चाहे आप कितने भी अच्छे काम कर लो, चाहे कितनी भी ईमानदारी आपके अंदर हो, दुनिया वालों को बस आपकी एक गलती का इंतजार है। जहां वह गलती आपके अंदर से बाहर आई, उस दिन आपको गैरों को तलाशने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मैं बड़ा अच्छा इंसान था उसकी नज़रों में, वह कहा करती थी कि तुझसा इंसान भगवान किस्मत वालों को देता है, लेकिन एक नाराजगी इतनी घायल कर गई उसे कि मुझसा बेकार इंसान अब उसे पूरे जहान में नहीं दिखता। सारा जहां कहता है कि ईश्वर ने सबसे अच्छी प्रजाति इंसान को बनाया, हमें सोचने और समझने की शक्ति दी, पहचानने और परखने के लिए एक तीव्र बुद्धि दिया, सुनने के साथ साथ समझने के लिए दिमाग नाम का यंत्र बनाया। लेकिन कभी कभी लगता है कि काश हम जानवर होते, न कुछ पाने का गम होता, न खोने की गुंजाइश होती, बस अपनी ज़िंदगी में मस्त रहते। कभी कभी लगता है छोड़ दे इस दुनिया की दुनियादारी को और चले जाएं किसी अजनबी अनजान सुनसान जहान में, जहां मेरे खुद के सिवा कोई ना हो। फिर यह सोच कर रुक जाता हूं कि जिन्होंने मुझे जन्म दिया, मुझे इतना बड़ा किया, जो मेरे खातिर इस दुनिया में अभी तक रुके हुए हैं, उनका क्या होगा। कभी कभी हंसता भी हूँ उस खुदा की नायाब दुनिया को देखकर। क्या गजब की संतुलन बनाई है उस ऊपर वाले ने। वह हर किसी को हर चीज़ नहीं देता। मुझे जो मिला है शायद वह किसी के नसीब में भी नहीं है। जो 100 किलो का बोरी उठा सकता है वो कभी खरीद नहीं सकता, और जो खरीद लेता है शायद वो कभी उठा ना पाए। आपकी, हमारी और पूरी दुनिया की बस एक ही केमिस्ट्री है। यहाँ मिलते सब है, लेकिन उस पेट्रोल और पानी की तरह। अगर आप समझदारी के चश्मे से इंसान को परखने की कोशिश करोगे तो यहाँ हर इंसान का चेहरा आपकी नज़रों के सामने झलकने लगेगा। अरे कभी किसी का सच उसके मुंह पर बोलकर तो देखो। सांप से भी ज़्यादा जहर उगलने वाले लोग इस धरती पर आपको आपके बगल में मिल जाएंगे। यहाँ सफलता की बात हर इंसान करता है। यहाँ आपको ऐसे बहुत से लोग मिल जाएंगे जो आपको सफलता में खुशी को दिखा देंगे कि सफल हो जाओ खुशी मिल जाएगी। मैं पूछना चाहता हूँ, क्या 4 मंजिला बंगला और 4 पहियों की गाड़ी ही खुशियाँ देती है? ऐसे लगता है जैसे इन बंगलों के आगे लिखा हो खुशी बस यही मिलती है। मैं पूछना चाहता हूँ, क्या उन लोगों की ज़िंदगी का कोई मोल नहीं है? क्या उन लोगों के ज़िंदगी में खुशी नहीं है जो अभी तक सफलता का स्वाद नहीं चखे हैं? लाइफ इंश्योरेंस एजेंट से मिलो तो वह आपके मरने के सारे फायदे बता देता है। किसी बड़े पद पर बैठे अधिकारी से मिलो तो ऐसे लगता है जैसे केवल सुकून उसकी कुर्सी पर ही है। किसी धर्मगुरु से मिलो तो ऐसे लगता है कि आध्यात्मिकता से बड़ा सुख इस दुनिया में कहीं और नहीं है। और किसी मोटिवेशनल स्पीकर से मिलो तो ऐसे लगता है पैसों से बड़ी कोई ताकत नहीं है। एक नॉर्मल इंसान कैसे डिसाइड करे कि ज़िंदगी का असल सुख होता क्या है? हमारी सोच और समझ सिर्फ दूसरों के अनुसार बनती जा रही है। हम किसी चीज़ की तैयारी या फिर कोई कैरियर चुन भी इसलिए रहे हैं क्योंकि हमें किसी को प्रूफ करके दिखाना है कि लो देखो मैंने वह हासिल कर लिया जिसके लिए तुम मुझे ताने दिया करते थे। अब तो तुम्हारे दिल को तसल्ली मिल गई ना। फिर अगला बंदा आपसे कहेगा कि देख लो पड़ोसी के सिन्हा जी को तुमसे ज़्यादा पैसे और गाड़ियाँ उनके पास है, उनसे ज़्यादा हासिल करके दिखाओ, तब मैं मानूँ। और तुम इसी हासिल करने और खोने के चक्कर में खुद की खुशी, आज का सुकून दोनों बर्बाद कर रहे हो। दुनिया मतलबी है तो आप भी तो मतलबी हो गए हो ना। आपने भी अपनी खुशियों को एक ऐसी जगह पर टिका रखा है कि मुझे यह मिल जाएगा तभी मैं खुश रहूँगा, और वो एक चीज़ कभी मिलती नहीं है। वह मिलता है और फिर आगे बढ़ जाता है, और फिर हम आगे बढ़कर उसे पकड़ने की कोशिश करते हैं, और ऐसा करते करते जब ज़िंदगी के अंतिम स्टेज पर पहुँचते हैं और पीछे मुड़कर देखते हैं तो हमें कुछ नज़र नहीं आता। हमें लगता है जैसे पूरी ज़िंदगी ही व्यर्थ हो गई है। APJ अब्दुल कलाम सर का एक कोट्स मुझे बहुत अच्छा लगता है। वह कहते थे केवल मार्क्स के पीछे मत भागो, क्योंकि जब आप लाइफ के लास्ट स्टेज पर पहुंचोगे तो आपको मार्क्स नहीं आपकी यादें नजर आएगी। कितनी क्वालिटी ऑफ टाइम अपनों के साथ स्पेंड किया ये याद रह जाएगा।
कितनी यादें बनाई यही आपको बार बार याद आएगा। इसका मतलब यह नहीं है कि मार्क्स और करियर के पीछे मत भागो, इसका मतलब यह है कि मार्क्स और करियर के साथ साथ हैप्पीनेस, सेटिस्फेक्शन, सुकून जैसी चीज़ें भी आपकी ज़िंदगी में होनी चाहिए, और ये तभी आएगी जब चीज़ों को एज इट इज़ देखोगे। वह मुझे कुछ बोलकर चला गया, मुझे नीचा दिखा दिया उसने सबके सामने, मैं उसे छोड़ूंगा नहीं। मैक्सिमम लोग बदला लेने और खुद को कोसने के सिवा कुछ नहीं कर पाते, या यह सोचकर परेशान रहेंगे कि उसने मुझे यह बोल कैसे दिया, जबकि आपको यहाँ ये सोचना चाहिए कि उसने मुझे बोल तो दिया, हो सकता है मेरे अंदर कोई कमी हो, मुझे इस कमी को सुधारने की ज़रूरत है, ताकि दोबारा वह इंसान आपसे फिर कुछ न बोल सके, या ऐसा कुछ कर जाना है कि आगे वह मुझसे नज़रें न मिला सके। अपनी गलती पर उसे खुद पछतावा हो। इंसानी फितरत यह है कि हर चीज़ को हमें कंट्रोल करना है, दुनिया की हर चीज़ हमारे कंट्रोल में रहे, हर चीज़ मेरे अनुसार चले, मैं जब कहूँ तो बारिश हो, जब मैं सोचूँ तब धूप निकले, जब मैं चाहूँ तब मेरे पास पैसे हो, और जब मेरी इच्छा हो तब वो मेरे पास आ जाए। मुझे वेस्टिंग ऑफ टाइम अच्छी लगती है तो मेरे घर वाले, मेरे अगल बगल के सारे लोग टाइम को बर्बाद करें। मुझे क्रिकेट देखना अच्छा लगता है तो मेरे घर का हर सदस्य, मेरे हर दोस्त टीवी पर मेरे साथ बैठकर क्रिकेट ही देखे। एक बात याद रखना, दुनिया का हर इंसान आपके अनुसार नहीं चल सकता, और न ही आप हर चीज़ को बदल सकते हो। जिसकी जैसी सोच है, जैसा जो चक्र बना हुआ है, वह वैसा ही चलेगा। हमने अक्सर बहुत से लोगों को देखा है जो इन सब चीज़ों को लेकर भी परेशान रहते हैं कि यह मेरे अनुसार क्यों नहीं चल रहा है। उन लोगों से मैं कहना चाहता हूँ कि समझदारी की थोड़ी कमी है आप में। जिस दिन आपने मैं वाले शब्द को समझ लिया, यानी आई इक्वल टू ईगो, और ये कोशिश कर ली कि मुझे इस शब्द को अपने अंदर से ख़त्म करना है, तो समझ जाना कि आपके अंदर खुशियाँ बढ़ने वाली है। एक बार एक इंसान ने गौतम बुद्ध से पूछा कि हे भगवान, मुझे खुशी चाहिए, आई वांट हैप्पीनेस। गौतम बुद्ध ने कहा कि मुझे यह जो शब्द है ना, ये तुम्हारा अहंकार है, ईगो है, और ये जो अंत वाला शब्द है चाहिए, ये तुम्हारे डिजायर्स हैं, इच्छाएं हैं, और जब तक इच्छाएं उम्मीदें किसी और से रखोगे तब तक खुशी मिल ही नहीं सकती, क्योंकि इच्छाओं का कोई अंत नहीं है, चाहत की कोई सीमा नहीं है। आज ये पूरा हो जाएगा और कल फिर इसकी कमी तुम्हारे अंदर झलकने लगेगी। आज ये पसंद आ रहा है, कल दूसरा चीज़ पसंद आने लगेगा, और तुम हर चीज़ को हासिल तो नहीं कर सकते ना, तो इस चाहत को भी अपने अंदर से हटा दो, और यह जो मैं शब्द है इसे भी तुम्हें अपने अंदर से दूर कर देना है कि मैं यह कर दूंगा, मुझसे बड़ा कौन है, इस तरह की सोच को भी आपको अपने अंदर से हटा देना है। जब मैं और चाहत दोनों शब्द आपके अंदर से हट जाएगी तो सिर्फ बचेगा खुशी जो आपके अंदर बैठी हुई है। बस आपको चीज़ों को समझना है और अपने अंदर से मैं और चाहत जैसे शब्दों को निकालकर ज़िंदगी को एक अलग नज़रिए से देखना है। मैं पूरे विश्वास के साथ कह सकता हूँ, इस नज़रिए से जब आप अपनी लाइफ को देखोगे तो आपसे खुशी इंसान, आपसे सुखी इंसान इस पूरी दुनिया में कोई नहीं होगा। वीडियो को प्रेमपूर्वक देखने के लिए, बार बार आकर अपना प्यार दिखाने के लिए दिल की गहराइयों से प्रेमपूर्वक बहुत बहुत धन्यवाद।